नमस्कार, आप सबका आपकी चैनल में स्वागत है। आज हम डिस्कशन करेंगे 8 शॉर्ट टर्म स्टॉक के बारे में। एंड डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर है, जो भी स्टॉक हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे उसमें मेरी कोई भी बाय या सेल या होल्ड की राय नहीं है, सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए आप कंसीडर कर सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ आपको इन्फॉर्मेशन बतानी है। क्या है कि काफी लोग मतलब ब्लाइंडली बाय कर लेते हैं, सेल कर लेते हैं। तो आप कभी भी कोई भी स्टॉक बाय करें तो वहां पे आप अपना स्टॉप लॉस जरूर लगाए, राइट। अब कुछ लोग बाय कर लेते हैं, उसके बाद वहां पे गिरावट आती है एंड दे अनेबल टू एग्जिट एंड वो मतलब होल्ड ही करके रखते हैं, राइट। तो ऐसा नहीं करना है। जहां पे भी आपका एसएल हीट हो जाता है तो वहां पे आपको एग्जिट कर देना है। अब स्टॉप लॉस आपको देखना है, मैंने ऑलरेडी वीडियो भी बनाया है स्टॉप लॉस के ऊपर, नहीं पता है तो आप वो भी देख सकते हो। तो आप ब्लाइंडली बाय मत करो किसी भी चीज को। पहले उसको समझने की कोशिश करो, सीखने का आप कोशिश करें, उसके बाद आप देखें चार्ट में कि क्या हो रहा है, तभी जाके आपको समझ में आएगा कि कहां पे मुझे स्टॉप लॉस लगाना है, या फिर आपको वो समझ में आएगा कि कहां पे आपको ट्रेड इनिशिएट करना है। तो ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। ब्लाइंडली आप किसी भी स्टॉक में एंटर कर लोगे तो मतलब आउटपुट सही नहीं आएगा, तो ये चीज आप ध्यान में रखें। तो ये छोटी सी चीजें मुझे आपको बतानी थी, तो ये चीज आप जरूर ध्यान में रखें। अब हम स्टार्ट करते हैं आज के स्टॉक्स के ऊपर। आज का जो पहला स्टॉक है उसका नाम है GEPIL, GE पावर इंडिया लिमिटेड। अब इसका चार्ट आप ध्यान से देखेंगे तो एक साइडवेज एक छोटी रेंज में आपको ट्रेड होता हुआ दिख रहा होगा। एंड यहाँ पे देखेंगे तो एक जबरदस्त स्ट्रॉन्ग मूव आया था, तो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन हो रहा है, तो आगे जाके यहाँ पे एक अच्छा मूव आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे आपका रिस्क भी कम है एंड रिवॉर्ड भी आपको अच्छा मिल सकता है। जैसे अभी कुछ टाइम पहले हमने देखा था IPL का, इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड का, उसमें किस तरह से हुआ था मैं अभी आपको दिखाता हूँ। IPL का अगर आप चार्ट देखेंगे, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे चार्ट में किस तरह से यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, राइट। ये रेंज आप देखेंगे तो यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ एंड उसके बाद यहाँ पे एक मूवमेंट आई, राइट। तो ये काफी टाइम कंसोलिडेशन करा एंड उसके बाद मूवमेंट आया, आप देख सकते हो यहाँ पे 310 से लेके 367 तक मूवमेंट आया था। तो ये चीज आपको ऑब्जर्व करनी है। अब देखो यहाँ पे एक डाउन मूव भी आया था, राइट। अगर आप इस तरह से यहाँ पे देखेंगे तो यस, यहाँ पे अगर ट्रेड लिया होता तो यहाँ पे आपका SL हिट हो सकता था, बट आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि कब यहाँ पे मूवमेंट आएगा। तो उसी लिए मैंने स्टार्टिंग में बोला कि आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। ऐसा नहीं करना है कि आप ब्लाइंडली आपको होल्ड करना है कि ये चलेगा ही, ऐसा नहीं करना है। तो इस स्टॉक में भी रिस्क बहुत कम है, रिवॉर्ड ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा GEPIL में। तो ये स्टॉक आप वॉच कर सकते हो आने वाले टाइम में, जो काफी अच्छा मूवमेंट दे सकता है। एकदम नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है अभी एंड स्टॉक ऑलरेडी एक अच्छे मूवमेंट में आपको दिख रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है TNPL। TNPL का आप चार्ट देखेंगे तो वीकली में आप इसका चार्ट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ये भी काफी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है। ध्यान से देखेंगे तो ये भी काफी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है। चार्ट आप हिस्ट्री देखेंगे तो समझ में आएगा किस तरह से यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है। तो इसमें भी एक अच्छा मूव आना चाहिए आने वाले टाइम में, तो ये स्टॉक भी काफ़ी अच्छा लग रहा है एंड ये भी कंसोलिडेशन अभी हो रहा है। तो ये
TNPL भी काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है अशोका बिल्डकॉइन। अशोका बिल्डकॉइन का आप चार्ट देखेंगे, डेली का उसका चार्ट देखेंगे तो ये एक अच्छा कंसोलिडेशन आपको दिख रहा है यहाँ पे, ध्यान से आप देखेंगे तो इसका भी यहाँ पे एक इसका भी एक अच्छा सा कंसोलिडेशन यहाँ पे चल रहा है, तो इसमें भी एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है। तो अशोका बिल्डकॉइन आप देख सकते हो आने वाले टाइम में जो काफी अच्छा कर सकता है, तो ये स्टॉक भी आप वॉच कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज गुफिक बायोसाइंस। गुफिक बायोसाइंस का आप चार्ट देखेंगे, यहां से आप देखेंगे तो यहां से अपसाइड स्टार्ट हुआ था, कंसोलिडेशन हुआ, अगेन एक अप मूवमेंट देखने को मिला, उसके बाद यहां पे कंसोलिडेशन देखने को मिला एंड अगेन यहां पे एक बड़ा कैंडल आपको देखने को मिला, अगेन यहां पे एक कंसोलिडेशन हो रहा है, तो वापिस आपको एक ऐसा कैंडल देखने को मिल सकता है, तो आप यहां पे वॉच कर सकते हो एंड रिस्क यहां पे कम रहता है एंड रिवॉर्ड यहां पे ज्यादा आपको देखने को मिल सकता है, राइट। तो स्टॉक 3-4 मंथ का एक कंसोलिडेशन रेंज में यहां पे चल रहा है, तो आप इसको वॉच आउट कर सकते हो, इसमें एक बड़ा मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है डिक्सन टेक। डिक्सन टेक का आप चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे भी जबरदस्त मूवमेंट आई है एंड उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है, तो इसका चार्ट भी देखेंगे तो बहुत लंबे टाइम से यहाँ पे ये कंसोलिडेशन कर रहा था एंड रेंज यहाँ पे आपको ब्रेकआउट होता हुआ आपको देखने को मिला है। आप वीकली चार्ट देखेंगे तो आपको क्लियरली दिखाई देगा कि किस तरह से यहाँ पे रेंज क्लियर हुआ, राइट। आप देख सकते हो यहाँ पे, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा था एंड उसके बाद ब्रेकआउट हुआ एंड अभी वापस डेली चार्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, तो आप यहाँ पे डेली चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, तो यहाँ पे एक अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट वन इज NSIL नालवासन। NSIL का चार्ट आप देखेंगे तो यहाँ पे भी एक कंसोलिडेशन हो रहा है, इसमें भी एक बड़ा मूवमेंट आया था, उसके बाद यहाँ पे एक कंसोलिडेशन चल रहा है, तो यहाँ पे भी एक बड़ा मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है, तो ये स्टॉक भी आप वॉच आउट कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस का भी आप चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे भी एक मूवमेंट आया था, उसके बाद एक छोटी रेंज में यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, एंड उसके बाद एक मूवमेंट आया था एंड अगेन यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है, तो अगेन एक बड़ा मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है, तो मुथूट फाइनेंस आप वॉच कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज जास इंजीनियरिंग। जास इंजीनियरिंग का आप चार्ट देखेंगे तो ये रेक्टेंगुलर चैनल में यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, आप देखेंगे तो यहाँ पे इस रेंज के बीच ही यहाँ पे ट्रेड कर रहा है एंड अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो एक छोटी रेंज में यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, तो इसमें भी एक बड़ा मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है एंड आप स्टॉक को देख सकते हो, काफी अच्छा मूवमेंट ऑलरेडी दिया हुआ है, राइट। तो ये स्टॉक जैसे ही ये अपर रेंज ब्रेक करता है तो यहाँ पे एक अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। वॉल्यूम भी आप देख सकते हो यहाँ पे काफी वॉल्यूम बिल्डअप हुआ था जब ये यहाँ से अपसाइड यहाँ पे देखने को मिला था, तो यहाँ पे जैसे ही अपर रेंज यहाँ पे 1533 जैसे ही ब्रेक होता है तो एक अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता। तो ये थे 8 स्टॉक जो आपको आने वाले टाइम में आपको वॉच करने हैं एंड अगर कहीं पे भी आप किसी भी स्टॉक में आप ट्रेड लेते हो, नॉट ऑन दिस स्टॉक, ये स्टॉक में मेरी राय नहीं है बाय सेल की, बट आप कभी भी किसी स्टॉक में लेते हो तो आपको स्टॉप लॉस पता होना चाहिए, तभी जाके आप इनिशिएट करें। विदाउट स्टॉप लॉस आप ट्रेड इनिशिएट करेंगे तो लॉस के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे, तो आप ये चीज ध्यान में रखें एंड आई होप आपको ये 8 स्टॉक पसंद आए होंगे। आपको वीडियो कैसे लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो।